ये देखो दीदी मेरा नया रूम, मैंने इसमें बहुत सारे पैसे लगाए हैं, हर एक एक चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए बनाया है। पंखा गुलाबी कलर का, पर्दे गुलाबी कलर के, वॉलपेपर गुलाबी कलर का, बेड गुलाबी कलर का। आ जाओ आपको और दिखाती हूँ। बढ़िया ही, गुलाबी कलर का, गुलाबी कलर का। इतना बेकार लग रहा है जैसे कोई बारबी डॉल का घर हो। What? पता नहीं क्या बना रखा है घर का। देखो चेयर भी पिंक कलर की। अब मैं दिखाती हूँ, ये देखो मेरा फैमिली फोटोग्राफ, ये देखो हमारे रिसेप्शन की पिक्चर, एकदम ऑन पॉइंट जगह पर लगाई है ताकि हम दोनों छा जाएं। परफ्यूम की कलेक्शन, ये परफ्यूम लुई विटों, मेरा नाम भी लिखा है देखो। खुशबू तो नहीं आई? हाँ भाई बहुत गंदी थी। ये मेरा सारा परफ्यूम, ये मेरा मिरर पिंक कलर का, ये मेरा बैग, ये भी दूसरा बैग, और ये पूरा वाइट। नाइस ना, वेरी नाइस। मेरे तो किसी काम का नहीं कुछ भी। आज मैं आपको और आगे दिखाती हूँ, परफ्यूम लूंगी बाद में। यहाँ पर मेरा सारा मेकअप का सामान रहता है और मार्शल के स्पीकर जो कि मैं दुबई से लेकर आई थी। नाइस ना, थोड़ा खिसको खिसको। ये देखो शिनचैन देखा है, डोरेमोन तो देखा ही होगा, स्लाइडिंग डोर। अच्छा है ना दीदी, ऐसे डोर मैंने बचपन में देखे कार्टून्स में। अब अभी आपका बचपन नहीं खत्म हुआ है। वैसे नाइस नाइस, लगता है अभी से चढ़ गई। ये देखो मेरे वार्डरोब में भी लाइट जलती है और पीछे मेरे बैग्स ही बैग्स हैं, सारे ब्रांड्स के बैग हैं। वेट दीदी एक लाइट बंद कर देती हूँ, बहुत ज्यादा लाइट्स हो जाएंगी और बिजली का बिल भी आ जाएगा। बैग तो आपके पास सारे हैं, बस वो परांदा वाला बैग नहीं है आपके पास। पराडा? हाँ वही परांदा, पराडा पता नहीं क्या है दीदी, पराडा है वो। वो भी है, मेरा यूएस में ही छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज्यादा हो गया था ना, कहाँ कहाँ लेकर डोलती तो मैंने वहीं पर छोड़ दिया। पराडा के बैग्स तो मेरे पास है बहुत सारे, अलग अलग टाइप के, छोटे से लेके बड़े तक, टोटे टोटे बैग होते ना वो भी हैं और छोटे वाले भी हैं। पराडा और टोट बैग बोलते हैं उसको, टोटे नहीं बोलते। हाँ लिखते तो टोटे ही है ना, लिखते हैं लेकिन टोट बैग बोलते। दीदी आप बेइज्जती मत करा देना कभी, कुछ भी बोलो, है तो ना मेरे पास, यहाँ तो है ही नहीं। दीदी यहाँ पर सारे बैग है, शनेल से लेके डियोर तक, और गुची और एलवी तो मेरे सामने ही हुई है, तो आपको जो बैग लेने का मन करे, कहीं आप जा रहे हो तो आप ले जा सकते हो। अच्छा मुझे ना ये वाला अच्छा लग रहा है, ये चैनल का है ना, चैनल का, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, पता है आपको। शनेल है दीदी, देखो शनेल, और ये बहुत स्मॉल बैग है और ये लिमिटेड स्टॉक था तो मैंने तुरंत ले लिया। इसमें फोन तो आ ही जाएगा और मैं साइड स्लिंग बैग बना के घूमूंगी ना इसको, इसलिए फोन भी आ जाएगा और आपके पास जो कैश है जो कि नहीं होता वो भी आ जाएगा, सब आ जाता है इसमें। एक ही नहीं रही है। अब मैं आपको अपनी वार्डरोब पर लेकर चलती हूँ, आ जाओ। आप चलने के लिए क्या बोल रहे थे, यहीं पे तो हैं हम, इतने भी बड़ी जगह नहीं है आपके पास, ऐसे नहीं सब रूम जितना होगा। सारी जैकेट्स है मेरे पास, और तो और सारी साड़ियां भी है मेरे पास। वाओ भाभी ये वाली साड़ी तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ हाँ अच्छी तो है, लेकिन अभी रख दो, वो मेरा कलेक्शन है, सारी कलर की साड़ियां, और यही नहीं नीचे भी है और ऊपर भी है, सब जगह है मेरे पास साड़ियां। एक दिन के रूम में जरूर आऊंगी। हाँ क्या हुआ, कुछ नहीं और दिखाओ, और क्या क्या है। मैं यही दिखा रही थी कि इसमें ना ये सब है, बाकी इतना ही है मेरा रूम, इतनी चीज है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सब पुरानी है, बस बैग नए हैं। जो भी बोलो भाभी, मेरा जो घर है, मेरा जो रूम है लंदन में, इससे 5 गुना बड़ा है। ये वॉकिंग वार्डरोब तो मेरे ऐसे ऐसे साइड में, परांदा का बैग, इसका बैग, उसका बैग, सारे बैग है मेरे पास। पराडा? हाँ पराडा, मैं भूल जाती हूँ, वो थोड़ी पंजाबी टोन निकल आती है ना, बट मेरे पास सब बैग्स के कलेक्शंस हैं, सब शूज सैंडल एवरीथिंग आई हैव इन लंदन, तो ये मेरे सामने कुछ नहीं है। आज तक पासपोर्ट तो मैंने इनका देखा नहीं, लंदन तो खा की रही होंगी, छोटी कहीं की। ठीक है दीदी अब चलते हैं इस रूम से बाहर, चलो। हाँ चलो, कुछ भी नहीं है इस रूम में। चिड़ोकली बंदरिया, चिड़ गई है मेरे हर एक चीज से, बहुत ही चालू है, कितनी चिड़ोकली, बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई है। आ रही हूँ,